नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं किसानों में कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों का शोषण किया जा रहा है, सरकार किसानों की ज़मीनें छीन लेगी। उसी में लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है ये कानून जो है अल्पसंख्यक विरोधी है, सिखों के विरोधी है। फिर कोई कह रहा है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तान का आंदोलन है, ये देशद्रोहियों का आंदोलन है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस इसको करवा रही है। हमारे साथ किसान है नारायणी सिंह जी, यह भी किसान है, बनारस में रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। सर ये बताइए, लोग कह रहे हैं जो आंदोलन हो रहा है उसमें एक दीप संधू नाम के गायक हैं और वो आंदोलन में हैं, तो वो कह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों की ज़मीनें छीन लेगी। कतई नहीं, जो नया बिल सरकार ले आई है कहीं भी कोई ऐसा कोई प्रावधान बता दे कि जो किसानों की ज़मीन हड़पने की बात हो या उनके अधिग्रहण की बात हो, यह सरासर झूठा फैलाया जा रहा है और केवल सरकार के विरोध के पक्ष में ये लोग खड़े हैं। जी, जैसे कि सर बिल में एक चीज़ है कि पहले जो है किसान जो है सरकारी बैंक से लोन लेता था, जैसे उसको खेती करनी है, बीज बोना है, जो भी, तो लोन लेता था सरकारी बैंक से। फिर वो इस आस में लगा रहता था कि मतलब सरकार राजनीति होती है, राजनीति में क्या होगा कि उनका लोन जो है माफ़ कर दिया जाता था। अब सरकार ने उनको आज़ादी दे दी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की, तो अब लोन जो लेंगे वो प्राइवेट कंपनी से लेंगे, तो मान लीजिए लोन नहीं चुका पाएंगे, तो पहले जो उनको लगता था कि लोन तो माफ़ कर दिया जाएगा, तो प्राइवेट कंपनियाँ तो उनका लोन माफ़ करेंगी नहीं। ये प्राइवेट, लेकिन हम उत्पादन करेंगे, अच्छा तरह से उत्पादन करके हम मार्केट में, हम क्यों सरकार के ऊपर आश्रित हों? हम स्वावलंबी हो, हम सरकार के कर्ज पर हम कब तक चलेंगे, बैसाखी पर कब चलेंगे? हम आत्मनिर्भर, और सरकार का यह जो नीति है कि हम लोग मिल करके 10 किसान मिल करके एक मार्केट बना लें, तो क्यों ना हम आत्मनिर्भर हों भाई? क्या क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है विरोध किस बात का कर रहे हैं। हम जैसे पूरे जिला में हम चंदौली अपनी माल नहीं ले जा पा रहे थे, भदोही नहीं ले जा पा रहे थे, पूरे हम लेकर के जा रहे थे, हमारा खेती होता है, हम कुछ लोग जब शहरीकरण का हमारा विस्तार हुआ तो हम लोग जमीन लिए हैं चंदौली में, हम लिए हैं सोनभद्र में, वहाँ से फसल लेके आने में पुलिस हमको रोकती थी, तंग करती थी। अब आज धड़ल्ले से हम लेके आ रहे हैं, हम 10 किसान मिलकर के एक ट्रैक्टर हमारा अनाज पैदा हो जा रहा है, हमको पता चल रहा है कि चंदौली के मार्केट में हमारा अच्छा बेहतर माल मिल रेट मिल रहा है, हम वहाँ पर लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं, बुरा क्या है इसमें? जी, उस पर आते हैं। तो जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, मतलब प्राइवेट जो हैं, प्राइवेट कंपनियों से जब लोन लेंगे तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो उसमें बुरा क्या है? अगर हम लोन लेंगे पहले तो माने हम जब कोऑपरेटिव बना लेंगे, हम 10 किसान में कोऑपरेटिव, तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कर्ज लें, हम आप अपने संसाधनों से ही उत्पादन करेंगे और उत्पादन पैदा करके मार्केट में लेकर बेहतर फायदा लेंगे। हम कर्ज क्यों कर्ज लेने जाएं? किसान आत्मक्या इतना कमज़ोर हो जाएगा? स्वाभिमानी होता है किसान, ये जो लोग भेष बना करके आकर के आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली को 2 करोड़ जनसंख्या का जीना दुभर कर दिए हैं, ये केवल राजनीति से प्रेरित आंदोलन हो रहा है और किसानों के हित के लेकर के हम कह रहे हैं। 2006 में UPA सरकार थी, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, यही लोग स्वामीनाथन कमीशन तैयार किए थे ना, जब रिपोर्ट आई तो लागू क्यों नहीं किए? क्या 2006 के पहले किसान आत्महत्या नहीं करते थे? 2013 के पहले कहाँ थी UPA सरकार, कहाँ थे अकाली दल के लोग? अच्छा, बिहार में मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि कई लोग इसी आस में लोन लिए रहते हैं कि मतलब राजनीति के चक्कर में लोन माफ़ कर दिया जाएगा। तो दो दो पीढ़ी गलत थी, दो दो पीढ़ी लोन लेके बैठे, माफ़ कर चुका भी नहीं रहे हैं, लोन केवल है केवल लोन जानबूझ करके लोन लेकर के केवल ऋण माफी के लिए लोग गलत काम करें, आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए बैसाखी का सहारा सरकार देती है, एकदम बंद होना चाहिए। ये जो 6000 साल में मोदी जी दे रहे हैं ये अच्छा है, हर किसानों के खाते में 6000 पहुंच जा रहा है अपना, माने जोताई बोआई 16 खाद, छोटे छोटे किसान जितने हैं अच्छा काम कर ले रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, जो बिल है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो भी लेन देन होगा, कोई भी डिस्प्यूट या समस्या होगी तो किसानों की जमीन नहीं ले सकते हैं, कतई नहीं, ये लिखा हुआ है। कोई बतावे, कोई प्रावधान इस बिल को पढ़ ले, कोई बता दे कि ये कोई प्रावधान है किसानों का अधिग्रहण का या नीलामी का? नहीं, नफरत फैला रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां इधर से उधर से किसी का, कतई नहीं, प्राइवेट कंपनियां क्यों, हम माने क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी हमारे, हम नहीं दे देना चाहेंगे किसी को जमीन अपना भाड़ा पर, तो क्यों जबरदस्ती ले लेंगे? तो कोई है प्रावधान ऐसा, कोई किसान बता दे? बिल में तो लिखा है कि जमीन आप किसी, कोई बिल आपकी जमीन ले नहीं सकता है, ना किराए पे ना किसी पे। मंडी बंद हो रहा है, ना माने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद हो रहा है, सरकार दे ही रही है,
फिर क्यों ये हम हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हो गया है, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसे, सरकार का इतना बढ़िया किसान के हित में जो बिल आया हुआ है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम भी देखिए किसान हैं लेकिन परा स्नातक स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं हम जी जी। हम लोग भी पेपर में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं और बिल के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं। का कोई ऐसा प्राविधान बना दे बता दें ये लोग कि किसानों के अहित में है ये बिल? सर ये बताइए आप खेती करते हैं? बिल्कुल करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? हम दोनों फसल माने जैसे रबी और खरीफ दोनों का करते हैं, गेहूँ चावल। हाँ सब गेहूँ चावल, उस समय उर्दी उतैला तिल्ली का भी खेती करते हैं। इस समय हम लोग चना मटर और सरसों गेहूँ जौ सब 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 चीज़ का खेती करते हैं। केवल अरहर इधर पानी उनी बुड़ रहा है तो कट जाता है, पशुओं का थोड़ा परेशानी है। अच्छा चावल आप उगाते हैं तो उसमें पूरा खर्चा कितना आ जाता है, बोने से लेके पूरा फाइनल तैयार होने जुताई तक? हमको लगता है एक बीघे या डेढ़ बीघे माने एक एकड़ जिसको कहते हैं, डेढ़ बीघा होता है हम लोग जो मापक किसानों का होता है, डेढ़ बीघा उसको कहते हैं, तो उसमें लागत लगभग 5-6 हज़ार रुपये आ जाता है। नहीं, एक क्विंटल चावल पे धान पे कितना लागत पड़ जाता है? एक कुंटल का माने पूरे एरिया में आप बता रहे हैं ना, जैसे डेढ़ बीघा में 6,000 मेरा लागत जुताई से लेकर मजदूरी तक आ गया, 16 तक आ गया। माने पानी फ्री में किसान हमको दे रहा है, माने सरकार दे रही है, ट्यूबवेल है तो, और निजी है तो निजी में थोड़ा माने अपना है, ट्यूबवेल का बिल केवल देना है तो उसमें 6, अगर मान लीजिए निजी कोई लेता है तो 7,000 डेढ़ बीघे में धान का उत्पादन दो ही मन कर रख लिया जाए तो 30 × 60 माने 40 क्विंटल धान पैदा हो जा रहा है। 40 हाँ, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपया है, अब जोड़ लीजिए कि माने कितना लागत, इतना माने नुकसान नहीं हो रहा है किसानों का, बहुत ज़्यादा जो मोदी जी न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हर किसानों को मिल जाए तो आय तो दुगना हो ही जाएगा सबका अगर खरीदी हो जाए। और यही है कि सरकार को व्यवस्था करना होगा कि सारे किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी हो जाए। नहीं जैसे बिहार में जो है, बिहार में मंडियां समाप्त कर दिए थे, तो बिहार में हुआ कि आप मंडी समाप्त कर दिए तो उसका रख रखाव करने के लिए उसका रख रखाव कम हो गया, तो मंडियां अब कम हो गई, किसान को जो बिहार में जो है अब मंडी है नहीं, प्राइवेट ही लोग खरीदते हैं। जैसे MSP बता रहे हैं कि 1850 धान का है, लेकिन 1000 में या 1100 से अधिक मिलता नहीं है किसान को। नहीं तो जब सरकार खरीदेगी तो उतने में मिलता है, लेकिन सरकार कभी कभी जैसे मजबूरी हो गया हमारा, सरकार का हमारी समय से बंद हो गया और हम रखे रहते हैं लालच में कुछ और रेट बढ़ जाएगा, ऐसे इस ऑल सडन किसान के पास उतना पैसा नहीं होता है अपना काम करने के लिए, तो कभी कभी दोहन तो हो ही जाता है। बनिया निजी क्षेत्र के लोग जैसे बनिया आते हैं तो ई रेट में लेंगे, ई रेट में, और हमारे ऊपर कर्ज माने जरूरत है पैसे की तो मजबूरी में हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं 18 से और ये नहीं 1600 जैसे हो गया, 1700 हो गया ऐसे ले लेते हैं। हाँ इस साल थोड़ा सा समस्या है। नहीं हरियाणा पंजाब में भी जैसे मंडी है तो पूरे भारत में 5 से 10% किसान ही MSP पे बेच पाते हैं, बाकी लोग अड़तियों को बेच देते हैं, अड़तिया जो है अपना 1000-1100 में लेके जाता है मंडी में, अपना MSP पे बेचता है। अड़तिया तो, थोड़ा सा करता है लेकिन हम माने उसी के आप उसके दायरे में, हम मजबूरी में कभी कोई कोई किसान आ जाता है तो जो ऐसा होता है दोहन करते हैं, लेकिन 1100 के ऊपर जैसे 1400-1500 ऐसा जो रुका रहे हैं 1000-1100 ऐसा नहीं है, ऐसा माने कोई बनिया इतना भी डाउन करके नहीं लेता है। नहीं अड़तिये जो है इसको अड़तियों को इसमें फायदा होता है, जैसे 1200-1300 में भी ले लिए तो दलाल जो बिचौलिया है तो इसीलिए ना ये मोदी सरकार लेकर के आई है कि मरे बिचौलिया इसमें खत्म हो, 10 किसान हम लोग हैं जैसे सारे हम लोग किसान हैं, योजना बना ले कि हमको फला मंडी में अच्छा रेट मिलेगा, नगद मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से साधन करेंगे, ट्रक करेंगे ले आकर अब ललकार कर बेच करके चले आएंगे, नगद पैसा लेकर के चले आएंगे, हम क्यों बिचौलियों के चक्कर में पड़ेंगे? वहीं तो सरकार का ध्येय है कि बिचौलिया इसमें खत्म हो। अच्छा बताइए छोटे किसान को सरकार ऋण देती है, बैंक कर्जा देते हैं छोटे किसान? हाँ हाँ देती है कि बस बड़े किसान को 4% ब्याज पर देती है, इतना सस्ता, या बिचौलियों के माध्यम से देती है? नहीं बिचौलियों के माध्यम से नहीं, बैंक देती है डायरेक्ट देती है। हाँ डायरेक्ट बैंक माने जितने भी हम लोग कार्ड बनाए हुए हैं 4% ब्याज पर माने देकर के अगला फसल के लिए ऋण उगा कर देते हैं, फिर अगले का फिर हम लोग ऋण उठा लेते हैं जरूरत पड़ती है तो, और नहीं पड़ता है तो हम लिमिट जैसे 25,000 का 1,00,000 का जो लिमिट है उससे पड़ा रहता है, खर्च माने कर्ज नहीं लेते हैं हम लोग, निकालते नहीं हैं। नहीं इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे, जैसे हम देख रहे थे पंजाब में 47,000 रजिस्टर्ड अड़तियाँ हैं, 47,000 रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड लगभग 1,00,000 होंगे। पंजाब में सबसे ज्यादा जो अड़तिये हैं किसानों का दोहन करते थे उसमें राजनीति से जैसे कांग्रेस और अकाली दल के लोग हैं, अड़तियों में ज्यादातर यही थे और सबसे ज्यादा विरोध यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे ट्विटर पे तो जो भारतीय किसान यूनियन जो इसमें विरोध कर रहा है
वो 2017 में जब पंजाब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो अमरिंदर सिंह का प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल 2019 में वो चला रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो वो अब किसान बन गए हैं। हाँ, सब सारे लोग किसान 47,000 जो देखिए नहीं सही बात की दादी माँ क्यों आ गई किसान बन करके, और उन्नति राय की क्या जरूरत था यहाँ पर आने का, वामपंथी नेताओं क्या जरूरत था। अभी मोदी विरोध के लिए एक षड्यंत्र स्वांग रचे हुए कि मोदी का इस कितना विरोध, अब कनाडा के प्रधानमंत्री का क्या जरूरत है यहाँ के किसानों से, स्थानीय समस्या को कनाडा का प्रधानमंत्री क्या जानता है, वहाँ का सांसद एक सिख सांसद भाई साहब वो क्या जानते हैं, वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट बहुत एक्टिव है तो उसी के समर्थन में बिल्कुल वही ना के लिए बोल रहे होंगे। बस उनका ध्येय वही खालिस्तान के लिए है और मोदी विरोध के लिए है। नहीं जैसे देखिए 47,000 अड़तियां हैं रजिस्टर्ड हैं, बाकी लगभग लाख दो लाख तो अनरजिस्टर्ड होंगे, फिर हरियाणा के भी होंगे, तो केवल पंजाब का डेटा है, तो क्या यही अड़तियां लोग ही लाख डेढ़ लाख लोग आके हैं? बिल्कुल वही बिचौलिए लोग हैं जिसका माने इसमें अपना रोजी रोटी जा रहा है, दलाली जा रहा है, नुकसान हो रहा है, वही विरोध कर रहे हैं जी जान लगा करके, और कुछ इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जैसे वामपंथी विचारधारा के लोग उनका क्या योगेंद्र यादव का क्या योगदान है, कितने बीघे का खेती करते हैं योगेंद्र यादव, और हर आंदोलन सरकार के बीच में आ जाते हैं, चाहे सही बात का आंदोलन हो चाहे कहीं हो, कूद कर किसानों का रहनुमा बन जाते हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि सरसों का पौधा आप जानते हैं, आलू का पौधा जानते हैं, कुछ जानते नहीं है लेकिन आंदोलन में आ गए, तो ऐसे लोगों को तो माने सरकार को सख्ती से हम तो कहते हैं सरकार किसानों से बात करे, बात करना चाहिए, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसान गए ही नहीं है तो बात किसे करे, लेकिन अगर किसान हो तो जब भी बिचौलिया आप जोगेंद्र यादव से क्या बात करने का मतलब है, सहीन बाग की दादी से क्या बात करने का मतलब है, और अरुणी राय इन लोगों से बात करने का क्या मतलब है, मेधा पाटकर इन लोगों से क्या मतलब, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग से बात करने का क्या मतलब है, सरकार को सख्ती से इन लोगों ऐसे अराजक तत्वों से देश में के किसानों के समर्थन में ये लोग नहीं हैं, देश के विरोध में सरकार के विरोध में हैं, इससे हम लोगों किसानों को 100% फायदा है। नहीं तो सरकार कैसे निपटेगी, जैसे लाख डेढ़ लाख लोग वहाँ पे जमा है, 2 लाख लोग कहीं नहीं क्या कर सकती है, नहीं लोगों को समझा बुझा कर, किसान है तो उनको समझा बुझा कर किसानों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, किसान तो उसमें बहुत कमी है, अड़तियां अधिकतर हैं, ज्यादातर जो माने अड़तिया है बिचौलिया है वही आंदोलन कर रहे हैं, जैसे गाँव में ऑनलाइन हो गया और लोग बहुत ज्यादा राशन कार्ड में फायदा उठाते थे, अब अंगूठा लगाना हुआ तो मोदी जी को पसंद करेंगे, इस सरकार को पसंद करेंगे, सीधे माने गैस का सिलेंडर का जो मिलता था सब्सिडी, अब मोदी जी इस सरकार को पसंद करेंगे वो तो विरोध करेंगे ही ना, चूंकि सीधे किसानों और जनता को फायदा जा रहा है, तो सरकार जो किसान समर्थन में जो लिया ही है तीनों बिल वो किसान हित में है, कहीं से बुरा नहीं है, हाँ कोई अगर दिक्कत है तो किसान से सरकार बैठे, बसरते वो किसान हो, बिचौलिए नहीं, राजनीति करने वाले लोग ना हो। पंजाब में मंडी में जो टैक्स लगता है, जो पूरा फीस लगता है 8.5% लग जाते हैं, वो मंडी में फीस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अब किसान को जो है स्वतंत्रता हो गई, कहीं भी बेचे, दूसरे राज्य में भी बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है, जहाँ रेट अच्छा मिले बेच सकते हैं, जहाँ अच्छा रेट मिल जाए, लेकिन हरियाणा पंजाब में जो अड़तिए हैं उन्होंने क्या किया है कि किसान तो जैसे मंडी में ले जाएगा, सरकार जो खरीदेगी खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो अड़तिए खरीदते थे, अब अड़तिए क्या कह रहे हैं कि हम तो खरीदेंगे नहीं, सरकार हमको मना कर दिया, जबकि सरकार ने मना किया नहीं है, किसान की सर जो फसल वो पड़ी हुई है, बिल्कुल है, तो बेचारे परेशान हो के आंदोलन में कुछ किसान भी पहुंचे हैं, कुछ भड़काए हुए हैं लोग ना, उनको भड़का रहे हैं, दरअसल में किसान तो इतना समय नहीं है कि बिल पढ़ पावे, हम लोग भी माने समय बच जाता तो प्रसार माध्यम आप जैसे प्रसार माध्यमों के द्वारा हम लोग जान जाते हैं, चूंकि पढ़े लिखे हैं कि इसमें क्या खामियां क्या क्या नहीं है, अब माने किसान जो है उसको बरगला लेते हैं लोग, कुछ पैसा दे देते हैं, चलिए फ्री में आपको खिलाएंगे, दिल्ली घुमा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लालच दे करके ले जाते हैं, अगर इन लोगों से सारे किसानों से पूछ जाए कि किसके लिए विरोध करने आए हैं तो कोई किसान बता नहीं पाएगा, केवल पकड़ करके ले गए हैं ये लोग। जो 2-2.5 लाख अड़तिए हैं उनका भी तो रोजी रोटी चल रहा था, नहीं तो आड़त सिस्टम को बंद कहाँ किया गया भाई साहब, अगर किसी किसान को आड़त पर ले जाकर बेचना है तो कहाँ ले जाए, फ्री है, स्वतंत्र सरकार, सरकार कहाँ रोकी हुई, लेकिन है? वो सोच रहे हैं कि किसान को आजादी मिल गई तो कहीं और बेचेगा तो हमारा वो खत्म हो जाएगा, उनका निजी हित इसमें चला जाएगा, किसान इसलिए लोग विरोध, किसान जो हमारी गुलामी करता था हमारे हिसाब से करता था, वही ना करे भाई साहब, हम चंदौली से खेती कराते थे, किसान इधर के तमाम बेच करके गए हैं, वहाँ पर चंदौली बॉर्डर पर लोग
पुलिस उत्पीड़न करने लगती थी। अच्छा। कैसे लेके जाएंगे किसान हाँ। है तब भी हाँ हाँ। अब तो हम चंदौली के मार्केट में अगर अच्छा रेट है तो क्यों नहीं ले जाकर बेच के, हम 10 लोग एक साधन ट्रक पकड़ लेंगे, अच्छा रेट मिलेगा, हम ले जाकर वहां बेच देंगे। अब कैसे कोई नहीं रोक पाएगा, नियम है, एकदम नियम है, सरकार ले आ दी, अब शासनादेश आ गया है, राजाज्ञा आ गया है। अच्छा, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पहले भी होती थी, बिल्कुल होती थी, तो नियम लाने की आवश्यकता थी फिर कानून बनाने की? नहीं, वो ठीक है हाँ। कानून से उसके हानि क्या, हम तो पहले भी करते थे हाँ। लेकिन इसमें काटे क्या, कहाँ से अडानी अंबानी लोग आरोप लगाते हैं, केवल अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, अरे उद्योगपति है वो अपने परिश्रम से अडानी अंबानी बनाए ना, और अगर हम भी चाहेंगे तो हम सारे किसान बनाकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिंग में क्या करेंगे। हाँ नहीं, अगर चार बच्चे हमारे यहाँ देख रहे हैं, माने जाकर दूर से चार छः बच्चे गए हैं, माने किसानों से जमीन लिए, छोटा छोटा तालाब बना लिए हैं, गौशाला बना लिए, खेती कर रहे हैं और तमाम उत्पादन दूध का भी बेच रहे हैं, बुरा क्या है नहीं, इसमें अच्छा क्या है, क्या क्यों ये लोग बुरा कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जैसे दूध में देखिए, दूध में भी अमूल है हाँ? अमूल भी प्राइवेट है, चली बड़ा लाभ का हाँ? है किसानों के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ पराग भी है, वहाँ के लिए हाँ, पराग भी आकर के गाँव से हम लोगों को माने दूध लेती है, फैट के आधार पर नापती है और ले आकर समय से पैसा दे देती है, तो बुरा क्या है, हमारे दरवाजे पर अच्छा रेट मिल जा रहा है। लोग डरा रहे हैं कि MSP खत्म हो जाएगा, फिर कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। MSP कहाँ खत्म हो रहा है, कोई कालम तो बता दे, जितने विरोधी साइनबाद की दादी बता दे, जोगेंद्र यादव बता दे, अरुंधति राय बता दे, सब बतावा ना, टुकड़े टुकड़े गांग बतावा, कहाँ प्राविधान है कि MSP खत्म हो रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो रहा है। नहीं, कई लोग कहते हैं कि जैसे जो मोदी जी हैं वो कर क्या रहे हैं, जो PDS है, PDS सिस्टम जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग कोटे पे जाके गरीबों को गेहूँ चावल आटा ये सब मिलता है, जो सरकार उसको ख़त्म कर देगी, अकाउंट में पैसा डाल देगी, आप मार्केट में खरीद लीजिए, जब वो ख़त्म कर देगी PDS सिस्टम, कोटे वाला सिस्टम, तो मार्केट में ही खरीदेंगे, तो सरकार को अनाज खरीदने की आवश्यकता ही नहीं, तो सरकार क्यों खरीदेगी हमें इसमें। नहीं, ऐसा कहे, ऐसा ये सब भ्रांति की बातें हैं हाँ। सारी बातें भ्रांति की हैं हाँ। कतई नहीं भड़का रहे हैं, अरे साल दो साल तो देखिए, अगर नहीं आएगा तो आप सरकार बदल दीजिएगा, आप कांग्रेस और वामपंथ आएगी, जैसा होगा वो सरकार अपना नियम बनाएगी, देखा जाएगा। वामपंथ की बात की, केरल में भी है सिस्टम, जो मंडी वाला सिस्टम है, केरल में नहीं है, बताइए, वही ना कह रहे हैं, माने यहाँ पर वही लोग विरोध कर रहे हैं हाँ, और केरल में विरोध नहीं कर रहे हैं, केरल में नहीं है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में क्या रहा, वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में, मेघालय में क्या था, नहीं, कैसे विरोध कर रहे हैं, केवल मोदी जी लेकर के आ गए, स्वामीनाथन कमीशन लागू कर दिए, UPA सरकार में आई थी, स्वामीनाथन कमीशन उसको लागू नहीं किए, और माने इन लोगों की श्रेय सरकार को न जाए, इसलिए सरकार को माने बदनाम करने के लिए शरण चल रहा है पूरे विश्व स्तर पर। नहीं, जैसे हम लोग नारे सुनते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज हाँ, है तो वही ना, इस तरह का तो खालिस्तानी आ रहा है, खालिस्तान की जय नहीं बोलेंगे, तो राष्ट्र विरोधी, इससे क्या बुआता है, राष्ट्र विरोधी कनाडा के, कनाडा के प्रधानमंत्री भी इसमें आ गए हैं, उन्हें वहाँ का एक सांसद भी आ गया हाँ, है जो के सांसद में बोल रहे हैं लोग हाँ? क्या देखते हैं, शाहीन बाग सीजन 2 है ये, बिल्कुल शाहीन बाग दूसरा है हाँ, दूसरा शाहीन बाग का स्वरूप है, खाना मस्जिदों से क्यों आ रहा है, मस्जिदों खाना क्यों खिलाया जा रहा है हाँ, वही उस बार हुआ था, ये बताइए कि वो माने शाहीन बाग की दादी खेती, और उनको उनके लिए सरसों की इसी खेती में बैठा दिया जाए, पौधा चीन लेंगे क्या, नहीं तो उनको घर में कोई काम नहीं होगा, पूछते नहीं होंगे तो यहाँ बिरयानी फ्री आके बैठी है, तो बस उन्होंने देश के विरोध के लिए आई हैं, 94 साल की हैं, हम खाने के लिए नहीं आई हैं, वो देश विरोध, मोदी विरोध, सरकार विरोध, जो राष्ट्रहित में सरकार चल रही है, देश परम वैभवशाली बनने जा रहा है, उसका विरोध करने आ रही है, आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर किसान होने जा रहा है, उसका ही लोग विरोध कर रहे हैं। पिछली बार हमने शाहीन बाग में देखा कि अमित शाह जी जो है उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, दिल्ली दंगा हुआ, बस नहीं वही हम चाह वही कर रहे थे कि सरकार को थोड़ा कड़ाई करना चाहिए, इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करें, नहीं लाठी चार्ज अगर नहीं समझते हैं तो अगर भूत का देवता माने अगर कायदे से नहीं मानते तो उनको मनाया जाए, शक्ति से मनाया जाएगा, नहीं शक्ति करेगी तो वही माने कह रहे हैं, कल हम प्रसार माध्यम इस पर देख रहे थे आज तक पर, वो एक इंटरव्यू किसान का ले तो कह रहा था कि ये सरकार बात हम लोगों की मानेगी नहीं, पूरे दिल्ली को घेर लिया जाए, अरे हाँ, तुम्हारे बाप का है हाँ, 2-2.5 करोड़ जनसंख्या मर जाएगी घरों में, तो दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, 4 महीने का राशन हाँ, 4 महीना का राशन लेकर के आगे दिल्ली घेरने की बात कर रहे हो, कहाँ जनता 2.5 करोड़ जनता जाएगी, कुछ ज्ञान नहीं है तुम लोगों को, जाओ अगर आंदोलन करो तो 10-20 अपना नेतृत्व भेज दीजिए, सरकार से बात करें,
सरकार बात करिए, दोनों संवाद के द्वारा रास्ता निकालिए। हम किसान के विरोधी, हम किसान हैं, हम अपने लोगों के विरोधी थोड़ो हैं। किसान उत्थान करे, विकास करे, वैभवशाली देश बने, इसके लिए हम नहीं। लेकिन हाँ, ये जो आंदोलन का स्वरूप चल रहा है, ये गलत चल रहा है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है, देश को विभाजनकारी आंदोलन ले बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब? राष्ट्र मोदी विरोध में, मोदी विरोध में चूंकि मोदी सरकार राष्ट्र के हित में एक एक ठो फैसला मजबूती से ले रही है। वोट हाँ। बिना वोट बैंक की राजनीति, वोट हम सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे इसका परवाह के राष्ट्र हित में निर्णय ले रही है। जो आप सही बोल रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात, हाँ, इसी घोषणा में थी कि किसान को स्वामीनाथन कमीशन लागू करें, सारा पॉइंट वाइज वही मोदी जी लागू किया, किसानों को आजादी देंगे, कहीं भी कहीं ले जाएंगे, वही तो कर रहे थे। इसी को घोषणा पत्र 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस लाई थी। चूंकि हम लोग पढ़े लिखे किसान है, हम लोग माने टीवी पर मीडिया के माध्यम, प्रसार माध्यमों के द्वारा पता चलता है ना कि इनका माने अभी कल पर इनका पूरा मैनिफेस्टो किसान आय दुनगा के लिए अपना घोषणा पत्र लागू कहे थे कांग्रेस के लोग, आज क्यों विरोध कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। केवल राष्ट्र के कमजोर बनाने के लिए, राष्ट्र को दुर्बल बनाने के लिए, किसानों को कमजोर बनाए रखने के लिए ये लोग ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार से आपके चैनल, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार के को कहना चाहते हैं कि आप मजबूती से खड़ा रहिए, जनता आपके साथ, पूरी जनता 150,000 लोगों को देख करके सरकार ना घबराए, अपने निर्णय पर अडिग रहे, और ये योगेंद्र यादव, ये सब प्रशांत कुमार, इन सबों से न डरे, अगर जरूरी है तो इन लोगों के साथ कड़ा कदम उठावे, और इन लोगों के आंदोलन करने के पैसा कहाँ से आता है इनका जांच किया जाए। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल जब छठ पूजा होनी थी, यूपी बिहार के लोग जब गए थे तो बोले कि केंद्र सरकार का आदेश है, हम तो उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप अमित शाह से पूछ के आइए, दिल्ली पुलिस से पूछ लीजिए, हम अनुमति दे देंगे। देखिए वहाँ पर क्या अब तो आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर कोई अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी माने एकदम शांत होकर बैठे हुए हैं, बैठे नहीं है, वो कह रहे हैं कि आइए हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, सब बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं जाकर किसान आंदोलन के समर्थन में, किसान आंदोलन का राष्ट्र विरोधी आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए हो गए। ये हरदम सरकार के विरोध में, माने आश्चर्य होता है कि IAS अपने कहते हैं और सारा काम राष्ट्र के विपरीत। जैसे हम इसके पहले जो आया था प्रवासी लोगों के लिए अस्थाई, तो क्यों विरोध किए थे? अच्छा, CA का विरोध क्यों किए थे? संविधान में पास हुआ, संसद की मर्यादा के लिए आप संसद को भी, संविधान को भी ताक पर रख दे रहे हैं। NSP भी संविधान से पास हुआ है, बहस हुआ है दोनों सदनों में, उस समय क्यों नहीं विरोध किए? अपने सशस्त्र दलों द्वारा रोक लिए होते, बहुमत के द्वारा पारित हुआ है। इनको तो लोग तो या तो आप संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान पर भरोसा नहीं रखते हैं आप लोग। नहीं, इनको तो लोग बोलते हैं कि गिरगिट की तरह है, रंग बदलते हैं, वोट की राजनीति, क्योंकि जो कृषि कानून 3 पास हुआ है, जिसमें पहला कानून है जो किसान को कहीं भी अपना सामान बेचने की स्वतंत्रता देता है, ये इन्होंने दिल्ली विधानसभा में गजट से ये लोग ये करके पास किया है, गजट से पास कर दिए हैं और यहाँ विरोध कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर पास किए हित में आज आप, और पंजाब सरकार जब वहाँ पर किसानों का ये बिल लागू नहीं किया, उसको कैंसिल कर दूसरा बिल लिया दी, तो किसान पंजाब के किसान यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं पूरा। जब वहाँ पंजाब में लागू ही नहीं होगा तो किसान पंजाब के क्यों यहाँ पर आकर के धरना दे रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जितने गैर भाजपा शासित राष्ट्र लागू नहीं कर रहे फिर भी आंदोलन करवा रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तो कुल मिला जुला करके हम किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अनपढ़ हैं, कुल मिला जुला करके राष्ट्र का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, सरकार मजबूत न हो, राष्ट्र मजबूत न हो, विदेशी फंडों पर माने हम तो जानते नहीं, लेकिन हमको तो यही लग रहा है कि विदेशी फंडों में षड्यंत्र चल रहा है भारत के। क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा था तो आपने देखा होगा कि जो हमारी सेना लद्दाख जा रही थी, किसानों ने रोक दिया था, यही किसान पंजाब, यही पंजाब किसानों ने रोका था। किसान मानेंगे कि क्या मानेंगे, वही ना कह रहा है कि सह पे काम हो रहा है। नहीं, अगर आप राजनीतिक पार्टी है तो राष्ट्र हित में जितना आता है उसको समर्थन तो करिए भैया, तब ना राष्ट्र के विरोध के लिए आप सरकार का विरोध के लिए आप राष्ट्र का विरोध करने लग रहे हैं। विरोध भी केवल पंजाब के जो संगठन है जो कांग्रेस से एफिलिएटेड है, बस वही लोग कर रहे हैं कांग्रेस से। यूपी का किसान नहीं, आप बताइए जब पंजाब में लागू है नहीं हो रहा है भाई साहब, जब पंजाब में लागू जो वहाँ की सरकार उसको लागू नहीं, संशोधन कर दिया, संशोधन कर दी, तो किसान राजस्थान के, अरे पंजाब किसान क्यों आंदोलन में है? हमको तो आश्चर्य हो रहा है, जब वहाँ पर लागू नहीं होगा तो क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं भैया? आपका इससे यही लगता है कि राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं आप।
राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। कई लोग ये भी कर रहे हैं कि MSP सरकार गारंटी दे दे, MSP खत्म नहीं करेगी तो हम आंदोलन बंद कर देंगे। MSP माने अब जैसे निजी क्षेत्र के लोग हैं, हमको बहुत जरूरत हो गया पैसे की, तो हम माने उस अगर वो नहीं तैयार होगा बनिया की MSP रेट, तो हमको जरूरत है थोड़ा सा, हम बेच करके अपना काम चला लेंगे तत्काल। नरम गरम जो बेच, अगर MSP और हम इंतजार करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा ना, तो उसके लिए भी देखा जाए, कोई प्रावधान बनेगा, सरकार बनाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब किसान, तो किसान नेता इस मुद्दे पर आराम से कोई बात करें, रास्ता निकालने की बात करें, बात निकलेगी। MSP का भी है कि ही आपको MSP से अधिक भी तो मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, पहले डील कर लीजिए। अगर माने उत्पादन कम हुआ, कुछ हुआ, आज आलू का किसानों के जाकर के 1400-1500 रुपया खेतों में खरीद ले रहे हैं व्यापारी। MSP लागू होता तो क्या 1400-1500 रुपया में आलू किसानों खरीदते लोग? नहीं, बिल जो है सर, बिल में ये भी है ना कि किसान जो है किसी से डील करता है, मान लीजिए किसी व्यापारी से, किसी प्राइवेट कंपनी से, तो डील से कभी भी हट सकता है। जो उसने एडवांस लिया है वो एडवांस से वापस कर देगा, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, उस पर कभी भी हट सकता है, कभी भी हट सकता है। तो सही बात है, इतना अच्छा प्राविधान, माने इतना अच्छा प्राविधान के बाद भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम क्या, इससे किसान के लिए ये बिल जो वरदान आया हुआ है, अब पता नहीं क्यों इस वरदान बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है, पेमेंट नहीं करेंगे तो महीने भर के अंदर वो डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा, SDM करेगा। बिल्कुल करेगा। पहले क्या था, पहले भी आप बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था, लेकिन कानून नहीं था, आप कहीं जा नहीं सकते। बिल्कुल, अब और मजबूत हो गया, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं खेती। अब आपके पास कानून है, कानून है, संविधान के तहत हमको कानून मिल गया, हमारे हित में सारा प्राविधान, हमको लगता है इसमें कोई ऐसा कोई प्राविधान है जो किसान के विरोध में, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे किसान विरोधी। और पता नहीं क्यों ये लोग राजनीति से प्रेरित है भाई साहब, राष्ट्र के विरोध में है, राष्ट्र वैभवशाली से बन रहा है, चौमुखी विकास कर रहा है, इसलिए इन लोगों को बुरा लग रहा है कि आत्मनिर्भर भारत क्यों बन रहा है, इस षड्यंत्र पूरा वैश्विक स्तर पर चल रहा है, और यहाँ के राजनीतिक प्रतिद्वंदी जितने भी प्रतिपक्ष के लोग हैं केवल सरकार के विपरीत खड़ा हुए हैं। अच्छा, अभी किसान है, किसानी में क्या समस्या आती है? कुछ किसानी में कुछ समानी में दरअसल फायदे का है कि हानि में रहते हैं? नहीं नहीं, अगर माने अगर घाटे में रहता तो हम लोग जिंदा कैसे रहते? ऐसा नहीं कि घाटे में है, घाटे में और जैसे धंधों के विपरीत थोड़ा है खेती, माने खेती उतना जैसे 6 महीने में एक फसल पैदा होता है, और क्षेत्रों में उत्पादन करते हैं, उद्योग बना लेते हैं तो कुछ जल्दी जल्दी पैदा हो जाता है, लेकिन इसमें भी अगर जैसे हम फसल के अलावा सब्जी का अगर खेती करते हैं तो हर प्रत्येक दिन हमको आता है आलू प्याज और सब्जी नेनुआ ये सब लगाते हैं तो अच्छा भाई इनकम हो जाता है, उसमें ये भी चलता रहता है। सरसों भी बोए हुए हैं? हाँ, सरसों है, मटर है, चना, इस साल में 6 महीने में पैदा हो जाता है, फिर दूसरे चक्र में पैदा, दूसरे वर्ष सत्र में पैदा होता है, दूसरे चक्र में फिर उर्दी, उतैला, ये सब आ जाता है हम लोगों के लिए, तिल्ली आ जाता है, तिलहनी, दलहनी, तो कुल मिला जुला के नुकसान होता है, तो काहे के लिए हम लोग खेती करते हैं, तब सब लोग हट जाते। केवल समस्या एक है भाई साहब, आपके चैनल से हम उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी भाई से बाबा जी से निवेदन कर, गाँव में अगर गाय हत्या के समर्थन कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा करें कि माने हर गाँव में कुछ माने व्यवस्था कर दें कि जो गाय और बछवा हम लोग खड़ी फसल चर जा रही हैं रात, हाँ हर गाँव में बनावा कोशिश, गाँव सभा की GS लैंड है, सबको अधिग्रहित करा करके वहाँ पर एक एक गौशाला बनाए, जिससे बछिया गैया तो हम लोग कम छोड़ते हैं, बछवा जब हो जाते हैं तो कोई उपयोग का चीज़ नहीं, हम बांध कर खिला नहीं सकते, किसान इतना खिला नहीं सकता, उसके लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ व्यवस्था करे, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था करे, बड़े पैमाने पर करे, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत जल्दी करे। तो विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा इसका जरूर? हाँ, बछवा का गांवों में किसानों पर बहुत असर पड़ेगा। देखिए हमारे चाचा लगेंगे जी, रात इस अवस्था में भी रात रात माने हाँकते हैं बछवा, अच्छा, और सो जाते हैं तो 10-20 तो बछवा आ जाते, फसल चढ़ जाती है, यही समस्या है। ये आप लगाए हुए हैं, इसे रोक नहीं पाते? हाँ, ये नहीं रोक पाता, तोड़कर जब भूखा है बछवा, अब माने समझ लीजिए अगर भूखा है तो पेट भरने के लिए अपना जान भी दे करके चलाएगा, पेट भर लेगा, यही समस्या है केवल। बछवा अगर गाय बछवा का निस्तारण माने किसी तरह रखवा लें योगी जी, तो योगी जी माने जनता बहुत खुश है। मतलब कुल मिला के अंत में ये कहेंगे कि यदि ठीक से किया जाए तो खेती घाटे का सौदा नहीं है, है। हरियाणा में हम भी जानते हैं कि हरियाणा में भारत में सबसे अधिक जो करोड़पति हैं वो हरियाणा के गांव में रहते हैं, वो किसान हैं, किसान क्योंकि दिल्ली से उनका बॉर्डर, अगर संसाधन सारा है हमारे पास,
और सुरक्षित हमारा फसल हमारे घर में आ जाता है, तो हमें कभी कतई हम आकर कई पीढ़ियां हम लोग इसी खेती पर ही आश्रित थे। अच्छी अच्छी शादियां, पढ़ाई लिखाई, हम पढ़ा स्नातक किए, हमारे बाबा हमारे पिताजी लोग खेती से हम लोग पढ़ाए ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ने का मौका मिला हम लोगों को, तो खेती के ही बल पर तो मिला। अच्छा, फसल बीमा योजना जो है वो भी फायदेमंद है आप लोग तक? नहीं, पहुंचता जो है? हाँ, जो जैसे ऋण ले लेते हैं तो उसका फसल का हो जाता है। हाँ, अगर फसी चल गई तो वो मिलता है, मिल जाता है। हाँ, लेकिन हाँ, जब जो बीमा कराया रहता है उसको। हाँ, बीमा कराते हैं अभी तो जागरूकता किसानों में। हाँ, थोड़ा सा गांव में कमी है। हाँ, लोग बीमा नहीं करा पाते हैं। बीमा करा ले तो मानी जितना नुकसान हो रहा है कुछ भरपाई हो जाता है बीमा के थ्रू। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो इसी आस में लोन लेते हैं कि कोई पार्टी आएगी, राहुल गांधी आएंगे तो माफ कर देंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हम जानते हैं कई लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोन लिए हैं। हाँ, जमा नहीं यहाँ करते तक बड़े बड़े ट्रैक्टरों का लोन लिए। हाँ, हैं, नहीं जमा करते हैं कि आज नहीं कल सरकार आएगी माफ कर देगी। लोन लेके घर बनाते हैं, गलत है। लोन लेके कुछ और करते हैं, हमको लगता है हम जो किसान ऐसा लालच ऐसा सोचते हैं और राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं, द्रोह करते हैं, वही लोग डर रहे हैं और हम स्वावलंबी भी नहीं हो पाते हैं। और हम ऐसे लोगों को बरकत, हमारा देहात में कहा जाता है नेत से बरकत। अगर हमारा नेत नहीं सहेगा तो हम कहाँ समृद्ध हो पाएंगे, बरकत नहीं होगा। हम इसी आल जाल में रह जाएंगे कि हमको वहाँ सब्जी मिल जाए, वहाँ पर छूट हो जाए, यहाँ हो जाए, बैंक के साथ धोखाधड़ी, अगर बैंक का अर्थव्यवस्था हमारा तहस नहस होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा ना, कहाँ से देश चलेगा, सरकार का। यही राजनीति के लोग वोट पाने के लिए ऐसा कर जाते हैं, किसानों को दबाव में आकर छूट दे देते हैं और वही किसान बेईमान हो जाता है। वो कतई नहीं होना चाहिए, लोन माफी नहीं होना। हाँ, मदद के लिए जैसे 6,000 आ रहा है ये अच्छा है, सारे किसानों के खाते में आ जा रहा है, अपना सोड़ा जोताई बुआई के लिए माने साल में तीन बार देते हैं, खाते में आ जाता है पैसा 2,000 रुपया, जो जिसे बीघा दो बीघा जोताई सोड़ा खाद का हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। अंत में सर क्या कहेंगे, जैसे हम देखते हैं कुछ आंदोलन देखते हैं, जैसे हाथरस में हुआ तो जातियों के नाम पे भड़काया गया, फिर उसके बाद जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें लोग, क्योंकि खालिस्तानी उसमें सब नहीं है, कुछ किसान भी हैं, लेकिन उनके नाम पे ये हो रहा है कि सिखों के लोग बोल रहे हैं खालिस्तानी है, तो एक जो दूरी है दूरी सिखों के प्रति योगदान। अरे सिख मैंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे सिख ऐसे नहीं है, क्योंकि राष्ट्रद्रोही पार्टियां तो यही चाहती है। अरे इतना आत्मीय संबंध होता है हम लोगों का। हाँ, माने सिख कैसे राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं? हाँ, मतलब विपक्षी पार्टियां तो ये चाह रही है ना कि इस तरह के नारे लगे कुछ। हाँ, नहीं कहते, अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत कहता है, तोड़ रहे हैं। कोई ऐसा कहता है तो माने माने राष्ट्र भक्त आदमी सिख के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उस जात जैसे हम सब लोग हैं उनसे भी ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं सिख। अगर ऐसा कोई कहता है तो गलत करता है, ऐसे लोगों को फांसी चढ़ाना चाहिए। अगर सिख भाइयों के ऊपर कोई अंगली उठाता है तो सिख देश के निर्माण में, सुरक्षा में, सीमाओं की रक्षा में जितना बढ़ चढ़ के सिख हिस्सा लेता है उतना कोई नहीं लेता है। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने उदाहरण दिया पहले, एक था वो गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे कटवा दिए गए। हाँ, मार दिए गए, राष्ट्रभक्ति के लिए मार दिए गए थे। कैसे ये लोग कह सकते हैं सिख राष्ट्रविद्रोही हो सकते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसी में जो आंदोलन हो रहा है वो लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी है, सिख विरोधी, जबकि इसमें धर्म का कोई एंगल ही नहीं है। अच्छा बताइए, किसान में धर्म बांट करके आप देखेंगे, किसान धर्म अगर बांटेंगे तो किसान बात मत करिए, तब सिख का करिए, हिंदू का करिए, मुसलमान का करिए, वही बात है ना, लोग सवाल ही नहीं उठता। माने अगर धर्म बांट करके आप इसका मतलब राजनीति कर रहे हैं, विभाजनकारी देश विभाजन की बात कर रहे हैं, प्रतिपक्ष में रह करके आपको कोई मौका नहीं तो देश बांटने की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, वही हो रहा है। ऐसे माने देखिए, जनता तो जान रही है। हाँ, जनता अब लगभग हर किसान हर किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हो गए। हाँ, हर किसान के घर में प्रसार माध्यम चाहे दूरदर्शन हो चाहे समाचार पत्र आता है, सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग चूतिया बना देंगे। जनता सरकार के साथ अट्टालिका की तरफ खड़ा है, अटेलर की तरफ खड़ा रहेगी भविष्य में भी। इस सरकार के पक्ष में पूरी जनता साथ में है, साथ में रहेगी। हाँ, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे अराजक तत्व थोड़ा सख्ती आवे। दिल्ली को घेरने की बात कर रहे हैं, इन लोगों को से सख्ती से निपटे। अब माने देखिए, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है जब बल का दर्प चमकता जगमग है। थोड़ा इनको बल का दर्प सरकार को दिखाना ही होगा। इंदिरा गांधी जी सख्ती की थी एक बार? हाँ बिल्कुल, हुआ था सब उसके बाद। नहीं, वो हम वो देखिए, इंदिरा जी की शक्ति दूसरे स्वरूप का। हाँ, यहाँ जनतांत्रिक शक्ति की बात कर रहे हैं। अगर भाई आप अत्याचार करो तो माने जब पानी सर से ऊपर होगा तो माने सहनशीलता सहनशीलता। हाँ, अरे अकारण पूरे दिल्ली को जाम किए हुए हैं आप लोग। हाँ, बताइए क्या समस्या है, माने कोई प्रावधान बताइए जो उसमें किसान विरोधी हो।
कतई कोई भी प्राविधान किसान विरोधी नहीं है, किसानों के हित में है। सरकार से माने सरकार हम तो माने एक किसान होने के नाते सरकार से निवेदन करेंगे आप एक प्राविधान भी मत हटाइए। हाँ हाँ जी, एकदम मजबूती से रहिए। हाँ, किसानों से बात करिए, उनके भ्रम को दूर करिए, दूर करिए। आपका संगठन जाए, पार्टी का संगठन जाए, सरकार के प्रतिनिधि जाए, किसान डोर टू डोर जाए, किसानों को समझावें कि इसमें आपका हित है, उनसे विमर्श करें, उनके उनसे प्यार दिखाएं। लेकिन ये जो एनजीओ योगेंद्रनाथ, प्रशांत कुमार, अनुति राय और ये सहीन बाव की दादी माँ, इन लोगों से कड़ाई पेश आवे सरकार, चिन्हित करें इन लोगों को, जेल में डालें इन लोगों को। बार बार ये लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो रही हैं, सरकार का विरोध कर, राष्ट्र का विरोध कर रही हैं, ऐसे लोगों को सख्ती से निपटना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत अच्छा। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद जी, बिल्कुल प्यारा।